नाम गुरुमंत्र कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन। उस परमपिता परमात्मा की बुलाने की एक विधि है, एक तरीका है, और सत्संग ऐसी जगह होती है यहां पे मालिक से मिलने का यह तरीका मिलता है। सत्संग में जब जीप चल के आते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं उनको सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में क्षण में कट जाया करते हैं। सत्संग यहां एक ही परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो, सत्संग मालिक के बारे में रीत क्या है और कुरीत क्या है यह जानने को यहां से मिलता हो, जी वाके सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा से इंसान सत्संग सुनता है वैसा ही फल उसे मिला करता है। बहुत ज्यादा श्रद्धा, बहुत ज्यादा यकीन यानी दृढ़ विश्वास जिनको हुआ करता है इस मृत्यु लोक में, उन्हें सचखंड के नजारे आने लगते हैं। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना इंसान के अंदर आती जाती है वैसा ही मालिक का रहमो करम, प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि उस जीव को नजर आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग में श्रद्धा से बैठो, भावना से, अहंकार को तज के, दीनता नम्रता को धारण करके सत्संग में अगर आप बैठते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। और सत्संग में अहंकार, खुदी, खुदगर्जी से अगर आप बैठते हैं तो अगर घड़े को औंधा मार दिया जाए, चाहे अमृत बरस रहा हो, चाहे आम बरसात, औंधे घड़े में एक बूंद पानी नहीं आता। उसी तरह जो जीव अहंकार, खुदी, तकब्बर से जुड़े होते हैं सत्संग में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ तो मिलता है पर जो मिलना चाहिए उसके काबिल नहीं बन पाते। सत्संग में खुले दिमाग से आके बैठो, तंग दिमाग से नहीं, सुनो और अमल करना सीखो। संत अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के पाक पवित्र वचन सुनाते हैं, जो जीव सुन के अमल कर लेते हैं, जो सुन के उन वचनों पे चलते हैं, यकीनन उनका भाग्य बदल जाया करता है। वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं। कभी भी उन्हें भयानक दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। दृढ़ यकीन, लगातार किया गया सुमरन उस कंकर की चुभन महसूस नहीं होने देता, तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सत्संग में आओ, श्रद्धा भावना से पीर फकीर की बात को सुनो और अमल करना सीखो।